चैनल, दिस इज सेकंड पार्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं मनाली से लेह तक का सफर। ये पैकिंग हो चुकी है अपन लोगों की और ये सुबह जा रही है अपन के साथ। हाय गाइस, सो हम निकल चुके हैं मनाली से लेह के लिए सुमो के अंदर। हमने बस स्किप कर दी, हम बस से उतर गए और बस से हमने डिसीजन लिया कि हम 8 बंदे हो चुके थे, कार वार जुड़ता गया हमारे साथ, हम 5 लोग थे। भाई मिले हैदराबाद से, 2 भाई गुजरात से मिले हमें, आगे बैठे हुए हैं। सो हमने सोचा सुमो करते हैं, देन सुमो से आगे चलते हैं। सो ये स्टार्ट कर दिए जर्नी, आज डे 2। पूरा ट्रिप एक्सप्लोर करने वाले हैं और कम से कम बजट में, यानी 15,000 से 20,000 रुपए में बजट दिखाने वाला हूँ किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो आप ले लद्दाख पूरा, दिल्ली से ले एंड ले से दिल्ली गेट बैक टू। तो मिलते हैं आपसे आगे के सफर में, आगे दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या होने वाला है, क्या क्या फन करने वाले हैं, क्या क्या एक्टिविटी करने वाले हैं हम, और कौन कौन से पासिस हैं, कौन कौन सी प्लेसेज हैं जहाँ पे हम रुकने वाले हैं। सुमो हमने इसलिए किया क्योंकि हमें प्लेसेस देखने, हमने बस वाले से बात करी हिवा सिंह की, हम कुछ प्लेस पे बहुत 5-5 मिनिमम अमाउंट टाइम के लिए रुकेंगे। हमने कहा नहीं यार, हम जब एक्सप्लोर करने आए हैं तो हम सुमो कर लेते हैं। उसमें हमारा बजट ऑलमोस्ट सेम पड़ रहा था, हम 8 लोग हुए थे, तो इसलिए अगर आप सोलो आ रहे हो तो आप बस से पहले केलोंग जाएंगे, दिल्ली से केलोंग जाएगी सेम बस, और वही बस नेक्स्ट डे आपको ले पहुंचाएगी सेम बस। उसका किराया होगा 550 से 600 रुपये और 1,080 रुपये आपका दिल्ली से केलोंग का। और मिलते हैं आपसे अब आगे वाले। अटल टनल आ चुके हैं अभी हम, ये पीछे अटल टनल, अभी थोड़ा सा जाम लग रहा है तो अंदर लेके आते हैं, कैमरे के उस पर अभी लेके जाएंगे आपको। और ये हमारे ब्रदर जो हैं वो फोटो क्लिक करते करते इतने परेशान हो गए हैं, सारे व्यू कैप्चर कर रहे हैं। और योगी बाबा श्वेता टनल के पास। एक्चुअली हमारा पहले प्लान था कि हम यहाँ से बुल्ट ले, बट हमने कहीं से पता किया कि यूनियन टेरिटरी का कुछ इशू चल रहा है, आप मनाली से ले बुल्ट लेके नहीं जा सकते। तो रीज़न बीइंग हमने क्या किया, हमने ले में बुल्ट बुक करवा रखी है, वहीं से बुल्ट लेंगे एंड वहाँ से क्या करेंगे, वहाँ से एक्सप्लोर करेंगे लद्दाख। सो चलते आगे, दिखाता हूँ आपको अटल टनल। सफ़र के साथ साथ रहिए मेरे, यहाँ आई थिंक कुछ चेक पोस्ट है, चेक वगैरह करवाना पड़ेगा। बट अगर आप यहाँ बाय बस आते हैं या बाय ऐसे सुमो ट्रैवलर बुक करते हैं, यहाँ से ट्रैवलर बुक करते हैं, तो आपको कोई भी परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ले घूमने के लिए परमिट चाहिए जो कि आपको ले में ही मिलेगा, तो नो नीड टू वरी अबाउट द परमिट। जैसे हम भी वरी हो रहे थे कि परमिट कहाँ से मिलेगा, कौन सी जगह से मिलेगा, काफ़ी रिसर्च करी हमने, लेकिन बाद में पता लगा लद्दाख में एक फ्रेंड से पूछा कि परमिट चाहिए, तो परमिट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है परमिट के लिए। अगर आप बुल्ट लेके आते हो दिल्ली से, अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आ रहे हो, देन यू विल गेट अ परमिट, यू नीड अ परमिट फॉर दैट। सो चलते आगे अटल टनल में, चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। गाइज ये है अभी अटल टनल के बाहर का व्यू। सो अटल टनल पे हैं अभी हम, ये मैं व्यू दिखाता हूँ आपको, एक्सक्यूज मी। सो ये पीछे रिवर, अल्टीमेट व्यू है भाई, अल्टीमेट व्यू, वर्थ इट है, मतलब यहाँ आने का ना पूरा वर्थ है कि आप ले आएँ और अटल टनल के बाहर का ही व्यू। अभी तो आगे बहुत व्यू आने वाले हैं। सो तो गाइस ये था अटल टनल, और अभी अटल टनल के बाद हम आगे जा रहे हैं, ले के लिए निकल रहे हैं।
रील्स बना चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं और फोटो भी क्लिक कर चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं लेक की तरफ और ये चंद्रा ब्रिज है ये पीछे, ले हमने पार कर लिया है, ओ मनाली हमने पार कर लिया है, अटल टनल हमने क्रॉस कर लिया है और आगे चलते हैं। आगे दिखाता हूँ मैं आगे का सफर किस तरीके का होने वाला है। और ये हमारे भाई कैमरा लेके फोटोग्राफर, और ये व्यू पीछे का बहुत प्यारा व्यू आ रखा है पीछे ना, मतलब जन्नत है ये, रियल में जन्नत है। सो गाइस ये है अभी ब्रिज, जिस ब्रिज को अभी हमने क्रॉस किया है और पीछे फोटोग्राफी चल रही है पूरी। टाइम लग चुका है 11:30 बज चुके हैं, ले पहुंचने में मुझे लग रहा है 10:30 बजने वाले हैं ले पहुंचने में। सुबह हमारी पीछे खड़ी हुई है और ये लड़के लोग जा नहीं रहे, ये लड़कियां इतनी पागल है, इतनी क्रेजी हो रखी है फोटो क्लिक करवाने के बिकॉज ऑफ दिस व्यू। तो व्यू है यहाँ का पीछे का, ये देखिए अमेजिंग व्यू, आपको आना चाहिए एटलीस्ट लाइफ में एक बार तो एक्सप्लोर करना चाहिए। और हमें भी, हम इवन मैं बताऊं, हम तीनों दोस्तों को इतना डर लग रहा था ना ले आने में, मुझे नहीं लग रहा था, किसी को लग रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसे एक्सप्लोर करेंगे, कैसी जर्नी होगी। बट सीरियसली यार इतनी एक्साइटमेंट हो रखी है ना, बहुत मजा आने वाला है आगे वाले ब्लॉग में, आगे वाली वीडियो में काफी फन करने वाले गाइस, मतलब यो वाला फन बिल्कुल। तो दिखाते हैं हम इस वीडियो में, ये देखो ये लड़कियां देखो पागल हो रखी है पूरी। तो चलते हैं आगे यार, चलो यार टाइम कंजम्पशन हो रहा है बहुत ज्यादा, चलते हैं आगे। सिस्टर सबकी सिस्टर, तो कुछ कहना चाहेंगे आप लोग इस मतलब इस जर्नी के बारे में? गीत बोलेगी, गीत काफी देर से शांत है, गीत कुछ बोलोगे इस जर्नी में? बहुत मजा आ रहा है, बहुत 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 ज्यादा मजा आ रहा है। ये फोटो देखने में होनी है, पीछे का व्यू देखिए आप। तो जल्दी से चलते हैं गाड़ी के अंदर और आगे की जर्नी कवर करते हैं, आगे के रास्तों को कवर करते हैं। सो ले का वे इधर है, तो अभी हम इधर जाएंगे, ले कवर करेंगे और चलते हैं आगे, दिखाते हैं जर्नी कितना मजा आ रहा है इस जर्नी में, क्या व्यू है यहाँ पे। मैं रील नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ ये जो गाइस हैं मेरे साथ, ये रील नहीं बनाने दे रहे मेरे को, इन्हें अपनी फोटो क्लिक करवानी है बस। सो गाइस निकल चुके हैं, अटल टनल पार कर लिए हमने, काफ़ी अच्छा एंजॉय किया हम लोगों ने। ये पीछे भाई हमारे, ये भाई गुजरात से हैं और ये भाई हैदराबाद से और वो भी गुजरात से, और ये श्वेता सो उत्तराखंड से। पहले इंट्रोड्यूस कर दिया, हर बार इंट्रो ही करना जरूरी थोड़ी ना है। तो अभी निकल चुके हैं भाई, अब कहाँ जाएंगे हम, आगे कौन सा व्यू पॉइंट पड़ेगा? आगे तो सरचू आएगा, अभी हम सरचू के लिए निकल चुके हैं, सरचू निकलते हैं। व्यू मैं आपको पूरा वीडियो में दिखाने वाला हूँ, आप पूरा व्यू इंजॉय कीजिए। अभी ये हमारे व्यू ले रहे हैं एक कैमरामैन और मैं आपको फ्रंट पे गाइड कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मनाली से अटल टनल आएगी, अटल टनल के बाद आप सरचू जा सकते हैं, सरचू में आप रुकिए, सरचू के बाद मैं आगे बताता हूँ आगे किस जगह जा सकते हैं। वाटर क्रॉसिंग पॉइंट आ गया आफ्टर 1 or 2 hours फ्रॉम अटल टनल। ये देखा था हमने उसमें ना, वीडियोस में देखे थे कि ऐसा कुछ आएगा।
सो गाइज अटल टनल के बाद ये दूसरा पॉइंट आया है दीपक ताल, 2 घंटे की जर्नी के बाद बैठ के ट्रैवल करने के बाद दिस इज द सेकंड प्लेस जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं दीपक ताल। यहाँ का पानी बड़ा साफ है बताया जाता है, यहाँ पे ये दीपक की शेप में तो इसे दीपक ताल नाम दिया गया। और ये पूरा पीछे व्यू बहुत प्यारा व्यू है, अल्टीमेट व्यू है। और ये पीछे पूरा तो अभी यहाँ से हमारा जो प्लान है वो है जिप्सा जाने का, जिप्सा जाके हम वहाँ पे लंच करेंगे, लंच करने के बाद आधा घंटे का रेस्ट है, देन वहाँ से जाएंगे हम दोबारा लेह की साइड। सो अभी कम से कम 4 से 5 घंटे की जर्नी बाकी है, थोड़ा बॉडी पेन कर रही है, कल से थोड़ा रेस्ट भी नहीं किया है, बॉडी सीधी भी मतलब कमर सीधी भी नहीं करी है, बट ओवरऑल जुनून है, दिल के अंदर जज्बा है कि लेह पूरा कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कम से कम बजट में आप किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो ले लद्दाख। और जो लोग कहते हैं कि नहीं ये चीज़ें होती है वो, हमें बिल्कुल चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े, बिल्कुल रिलैक्सेशन से हम सारे 5 फ्रेंड आराम से ले तक एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी सारे फ्रेंड वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैं यहाँ थोड़ा शूट कर रहा हूँ जिससे मैं आपको बता सकूँ कि बहुत ईजी वे है ले लद्दाख आना, कोई ऐसा कठिन काम नहीं है कि आप फ्लाइट से आओ कि 8,000 रुपये की टिकट करनी है या 5,000 रुपये की टिकट करनी है, रिटर्न बैक की 5 से 10,000 रुपये टिकट उसमें देना है, जनबुट लेना है, कोई इतना पैनिक वाली चीज़ नहीं है। रिलैक्स होकर बस में आइए, बस के बाद अगर आप मनाली आते हैं तो मनाली से ट्रैवलर में भी आ सकते हैं, अगर आप 5 से 6 दोस्त हैं उसमें भी आपका कंफर्टेबल अमाउंट लगेगा, और दूसरा अगर आप बस से आते हो तो बस से भी कंफर्टेबल है। तो यही था अभी तक का, बाकी मैं आगे की दिखा दूँ जल्दी थोड़ी देर। व्यू देखिए, मतलब ये नेचुरल लाइट है, नेचुरल पूरा मतलब सारी चीज़ें नेचुरल है। ये देखिए हमारा फोटो क्लिक कर रहा है, और योगी कुछ ज्यादा स्मार्ट लग रहा है आज ना, नेचुरल लाइट के आगे ना बेचारा थक गया। तो दिल में जुनून है, जज्बा है, दोनों फ्रेंड जो है गीतिका और श्वेता वो मतलब थोड़ा थक गई है, रेस्ट कर रही है, सो रही है अभी वहां पे। तो अभी चलते हैं दीपक ताल के पास, दिखा दो थोड़े। निकल चुके हैं दीपक ताल से, आप जा रहे हैं जिस्पा लंच करने, तो आधे घंटे का हॉल्ट होने वाला है वहाँ पे, टाइम हो रहा है अभी 2:25, तो निकलते हैं। हाँ भाई भी आ चुके हैं, चलिए गाइस चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्रॉसिंग आई है, वाटर क्रॉसिंग, सो देखते हैं ट्रक दूसरी है, हमारा फर्स्ट तो वैसे ही था, पुल था उस पर कोई दिक्कत नहीं था। ये है फर्स्ट क्रॉसिंग जहाँ पे थोड़ा सा अगर बुल्ट से अगर हम आते मनाली से थोड़ा सा चैलेंजिंग आता, बट ऑवरऑल हम पार कर लेते, बट ऑल दो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये ऑफ रोडिंग वाली फील आ रही है यहाँ पे ना। बार आ चुका है जहाँ पे हमारा लंच है, जिस पर हमारा पीछे निकल चुका है, एक्चुअली क्या था वहाँ पे हमारा लंच का था बट वहाँ लंच नहीं हो पाया, रीज़न क्या था हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिंदगी बार पहुँचना था हमें, सो इसलिए भैया ने कहा कि जिंदगी बार जाके लंच कर लीजिए वहाँ कर लेना। सो ये
जितना ये प्यारा व्यू कैमरे के अंदर आप देख रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा अल्टीमेट व्यू आंखों के सामने है लिटरली। और ये पूरा पीछे फ्रेंड सर्कल जो है पूरा सुस्त हो चुका है, इन्हें भूख लग रही है, इन्हें मुर्गा पाड़ना है। ये देखिए मुंह छुपा रहे, इन्हें मुर्गा नहीं खाना। इस लड़के को खाना मुर्गा, मुर्गा चाहिए भाई, चाहिए ना भाई। भाई सावन चल रहे हैं भाई, क्या खाओगे? कुछ भी, सब चलेगा, आप सब चीज। सावन चल रहा ना, मुंह सावन हमारी हमारी उबे करता। सो गाइस सावन चल रहा है भी, ये लड़की बेवकूफ है, तो पता नहीं क्यों लेके आ गए हम यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा। पता डाल के बाद दबा के चिकन खाऊंगी, सबसे ज्यादा चिकन खाएगी, पहले चिकन बनाएगी फिर दबाएगी फिर खाएगी ये लड़की, देख रहे हो। सो गाइस कोई बात नहीं, झिंगरी चलती रहती है। सो गाइस ये देखिए इतना प्यारा व्यू है ना, सच बताऊं मैं, लाइफ की जो जन्नत है ना, मोह माया से दूर है, वो है आपका सोलो ट्रैवलर सेल्फ लव के ऊपर। दाल चावल कद्दू की सब्जी खीरे, हे गाइस लंच हो चुका है, जिंदगी बाहर से निकल चुके हैं, 4 बज चुके हैं और अभी कम से कम 250 से 300 किलोमीटर ले है, जो कि मुझे लग रहा है कि हम 8 बजे तक नहीं पहुंच सकते, तो हवा टाइट हो चुकी है, 8 बजे तो नहीं पहुंच सकते। सो भाई कह रहे हैं आराम से पहुंच सकते हैं हमारे गुजराती भाई, सो देखते हैं। अब प्लान ये है कि मैं अब रेस्ट कर रहा हूँ थोड़ी देर, व्यू मैंने सारे आपको दिखा दिए, ले पहुँच के मेरे को कल बुलेट भी लेनी है, बुलेट राइड करनी है, चलानी है, और ओवरऑल अभी तक काफ़ी फ़न किया हमने, बहुत कम कम अभी तक जो टोटल एक्सपेंस हुआ अंडर 10,000 रुपीज़ है। मैं पूरा एक्सपेंस आपको पूरा बताऊंगा कितना कम खर्चा होगा हमारा इस ट्रिप पे, और योगी पूरा थक चुका है, योगी भी रेस्ट ले रहा है, बॉडी रिकवर कर रहा है, और मैं भी थोड़ा अब सो ले जाता हूँ, इससे क्या होगा बॉडी रिकवर हो जाएगी, और रात को थोड़ा अगर जो मजाक मस्ती करनी है थोड़ा ले मार्केट घूमनी है वो घूम लेंगे, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद हम सो जाएंगे। नेक्स्ट डे क्या अर्ली मॉर्निंग थोड़ा उठ के देखेंगे कि बार्गेनिंग करेंगे, बुलेट अगर हमें कम से कम प्राइस में मिलेगी तो मैं दिखाऊंगा किस शॉप से आप बुलेट ले सकते हो और कितने अमाउंट में आप ले सकते हो। देन सेकेंडली हम आगे से पूछेंगे परमिट हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ले में वन डे का स्टे है, अगर मैं आज पहुंचता हूं तो मुझे कल पूरे दिन ले में स्टे करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे परमिट मिलेगा। नेक्स्ट डे हम नुब्रा वैली, उगा वैली और आपका पेंगोंग लेक जा सकते हैं, सो जो हमने प्लान कर रखा है ओवरऑल। देन उसके बाद गेट बैक टू ले एंड देन वहाँ से वापस ही मनाली करेंगे, मनाली से गेट बैक टू दिल्ली। सो ये पूरा ट्रिप हम
गाड़ी फंस गई हमारी, यहाँ टूरिस्ट की गाड़ी फंस गई जिससे जाम लग गया। सो हेल्प करते हैं। क्या फंस गई? चलो भाई धक्का मारते हैं, आ जाओ धक्का मारते हैं गाड़ी में। नहीं बैग ही लेना पड़ेगा, बैग ही लेना पड़ेगा। फाइनली निकलेगी गाड़ी। गाड़ी फंस जाती है, सो हमने हेल्प करी, आर्मी ने हेल्प करी वहाँ पे गाड़ी की और गाड़ी निकल गई। सो कभी भी आप आओ तो देखभाल के आओ, देख के आओ कि सारी चीज़ें कवर करके, एक्सयूवी नहीं गाड़ी तो कोई सी भी ले आओ, बट थोड़ा लोकल ट्रैवलर को, जो लोकल ट्रैवलर होते हैं, लोकल ड्राइवर होते हैं यहाँ का ना, उनको थोड़ा जगह दिया करो, उनको जगह नहीं देते दिल्ली वाले लोग, बट कोई नहीं, ओवरऑल चलता है। मैं भी दिल्ली से हूँ, जब मैं गाड़ी लेकर आऊँगा मैं भी ऐसी करूँगा, आदत है अपनी। सो चलते हैं अभी ले, 6 बज गए हैं, मुझे लग रहा है 12 बजे तक पहुंचेंगे रात को। और इंसिडेंट हो गया था अभी, गाड़ी फंस गई थी वो पूरी, वो बैक जा रही थी पूरा का पूरा। व्लॉग में तो नहीं दिखा पाया मैं ज़्यादातर, बट मैंने कुछ मेन पॉइंट दिखा दिए। और चलते हैं अभी आगे, आगे के व्यू दिखाता हूँ मैं आपको कैसे व्यू है। फाइनली सरचू पहुँच चुके हैं अपने टाइम बाद ले, अभी मुझे लग रहा है 251 किलोमीटर दूर है, यानी कि 4 घंटे मान लीजिए हम 10 बजे ले पहुंचने वाले हैं। बाकी आगे की जर्नी देखते हैं किस तरीके से होटल बुक करेंगे, क्या क्या चीज़ करेंगे, वो हमें नहीं पता, वहीं जाके सडन सारी चीज़ करनी है। तो चलते आगे। टाइम तक 8 बजे तक पहुंच जाएंगे ले में और रेस्ट वगैरह करके कल सुबह बुलेट ले लेंगे, बट मुझे नहीं लग रहा कि अभी 10 बजे तक भी पहुंच पाएंगे। भैया कह रहे हैं 10 बजे तक मैं ट्राई करूंगा पहुंचाने की। सबकी हालत टाइट हो रखी है, सब सो रखे हैं, सब रेस्ट कर रहे हैं आराम से। मैं ही हूँ जो पूरा ब्लॉग के चक्कर में पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें, ओवरऑल होता है यार सारी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ का जो व्यू है ना बहुत प्यारे, सड़कें बहुत प्यारी, मक्खन मलाई बना रखी है सड़क। आप बुलेट से भी आ सकते हो, गाड़ी से भी आ सकते हो अपनी पर्सनल व्हीकल से, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस से भी आ सकते हो, और अगर आप मनाली आते हो मनाली से ऐसे ट्रैवलर भी मिल जाएंगे आपको जो सस्ते, आपको आराम से
भैया ने काफी हमारी मदद करी, जहाँ पे भी अच्छे पॉइंट आ रहे हैं हमें रोक के कह रहे कि आप फोटो क्लिक कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसमें क्या टाइम कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, जो हमें लग रहा है अब फील हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे अंधेरा होने वाला है और वहाँ पे हमें दिखेगा नहीं। और हालत देख लीजिए कैसी हो रही है, कल से सोए नहीं हूँ मैं, बिल्कुल नहीं सोया हूँ, मेरा एक घंटे का सोया हूँ मैं बस में, अदरवाइज मैं नहीं सो पाया हूँ बिल्कुल भी। सो चलते हैं आगे, थोड़ी देर में देखते हैं चाय वगैरह पीते हैं, अगर भैया रोकते हैं अगर 5 मिनट का टाइम मिलता तो ठीक है, अदरवाइज मिलते हैं सीधा लेह में, और लेह में होटल वगैरह वहीं करेंगे, किस टाइम पहुँचेंगे, और ये सब भाई हमारे साथ ही जाएंगे, गुजराती भाई, हैदराबादी भाई, सारे हमारे साथ ही जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आगे का सफ़र आपको। एडवेंचर हो गया हमारे लिए लेह को एक्सप्लोर करना, देखते हैं किस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। पूरी जर्नी मैं ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। 7 बज रहे हैं, रास्ता मैंने दिखा दिया है, शाम हो चुकी है, अंधेरा होने वाला थोड़ी देर में, और हमारे पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, पीने के लिए बहुत लिमिटेड स्टॉक में पानी है, सो सभी अभी भी रेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं किस तरीके से इस जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे। पांग आ रहा है 41 किलोमीटर, भैया ने बताया कि हम 12-1 बजे तक पहुंचेंगे वहाँ पे, और देखते हैं वहाँ रूट, फूड, वर्थ, सारी चीज़ें किस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। चलते हैं अभी अभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं अपनी जर्नी पे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, बट कोई ऐसी हेजिटेशन नहीं है, कोई ऐसा डर नहीं है कि हम डर रहे हो कि इतना टाइम हो गया, 7 बज गए, किस तरीके से इन पहाड़ों को, जो मज़ा इस एडवेंचर में है ना लिटरली वो मज़ा नहीं है बिल्कुल। आई डोंट नो, थोड़ा नर्वस हूँ मैं भी, बट ऑल्दो चलते हैं इस जर्नी को, एडवेंचर बनाते हैं। राजू भाई साथ में, राजू भाई हमारे साथ में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हमें, बाकी हमारे थोड़े साथी डरे हुए हैं, इवन मैं भी थोड़ा सा यू नो बोलना नहीं चाहता, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें पूरा सब भरोसा है। और व्यू बहुत प्यारे प्यारे हैं यहाँ के, अभी भी मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ साइड का। आपने देखा ये व्यू था अभी इवनिंग 7 बजे का है, ले पहुंचने वाले रास्ते पे, तो 219 किलोमीटर है, अब 215 किलोमीटर रह गया होगा, सो बट देखते हैं चलते हैं। भाई भी हमारे साथ हैं, बाकी पीछे बैठे हुए हैं, थकान हो रखी है, सो रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ आगे फ्रंट गेट पे, देखता हूँ गाड़ी दिख रही है, गाड़ी दिख रही है ऐसा नहीं है लोग नहीं आ रहे, आ रहे हैं यहाँ से लोग, बुलेट भी आ रही हैं, लोग एडवेंचर भी कर रहे हैं यहाँ पे, सोलो ट्रैवलर भी हमने देखे, बट ऑल्दो देखते हैं आगे कैसे जर्नी होने वाले, किस तरीके से हम वहाँ पहुँचेंगे, मैं सारी चीज़ ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। सो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में, ये पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ले मेरे लिए, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और मेरे लिए मुझे पता नहीं था इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये पूरा एडवेंचर टूर। सो चलिए चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आगे का पार्ट आपको।
टाइम हो रहा है 7:34, तो अभी भी 200 किलोमीटर रह गया ले एंड पहुंचेंगे हम ले। बहुत एडवेंचर जर्नी हो रही है और काफ़ी फन, डरावना भी हो रहा है, फन भी हो रहा है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम। ये रे गाइस, अंधेरा हो रखा है। हे गाइस, व्हाट्स अप, हाउ इज जोस? बहुत अच्छा ब्रो, नाकिला पास आ गया। ये नाकिला पास है, ये नाकिला पास। साले इतना मैं डूब के मर रहा था ना, तब भी नहीं पटी होगी मेरे एक्सेंट। जय शंभु, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, हर ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ, हर पार्ट में मैं दिखाने वाला हूँ। लाइव टेलीकास्ट कैसे कैसे पहुंचने वाले हैं हम ले और किस तरीके से इस जर्नी को एडवेंचरस और बना सकते हैं। मत करो वैसे ही, मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूं। चलो ट्रेंडिंग नंबर 1 में आ जाता है। थैंक यू आएगा ना डायरेक्ट, सबसे पहले गांव आएगा। कैसे थैंक यू आएगा ना अभी तो गांव को, सबसे पहले कोई आएगा, सब थैंक यू आएगा। 7:38 हो गए। बारिश आ रही है भाई, बारिश भी आ गई भाई, मतलब मुसीबतों की कमी नहीं है हमारे पास। कोई नहीं गाइस, विल रीच देयर इन नेक्स्ट 13-14 मिनट्स। गाइस टाइम हो रहा है 8:28 और पहुंचने वाले हैं 150 किलोमीटर रह गया ले का, और देखते हैं थोड़ा सा। अंधेरा तो ऑलमोस्ट ज्यादा हो चुका है बट एडवेंचर टूर है तो एडवेंचर कर रहे हैं, फन कर रहे हैं थोड़ा सब जगह पर। यू नो नाइट बहुत ज्यादा हो चुकी है, सारे बंदे जो हैं वो पीछे सो रखे हैं, रेस्ट कर रहे हैं और चलते हैं ये रास्ता ही। लाइफ में सियापे कम है, 9:15 पे जाम हो लग गया, पता नहीं कैसे पहुंचेंगे ले भाई, बहुत सियापा हो रखा है। गाइस टाइम हो रहे हैं 10:20, तो हमने क्या किया, हमने पांग में स्टे ले लिया है और ये जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं हमने यहाँ कुछ थोड़ा बहुत खा लिया, डिनर कर लिया है और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। और सुबह 190 किलोमीटर है रहा है ले, तो हमारे बस की बात नहीं है, तो हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं और यहाँ से कल निकलेंगे लेह के लिए। बॉडी पूरी थकी पड़ी है, सुरजीत सो गया है, बाकी बाहर हैं लोग डिनर कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, काफ़ी थकान फील हो रही है मेरे को, तो मिलते हैं आपसे। सो मिलते हैं आपसे कल सुबह, पांग से निकलेंगे हम ले के लिए, देन वहाँ से बुलेट वगैरह जो भी हमें हायर करनी है वो हायर करेंगे। मेरे साथ बने रहिए, थैंक यू सो मच। ये वेब सीरीज़ जो है, ये लद्दाख सीरीज़ जो है, मैं कंटिन्यू करूँगा कल से। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।